नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल BWIC में और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और कोई भी जानकारी छूट ना जाए इसके लिए सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 से लेकर के ये 2021 है और वो भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। 3 साल से ऊपर का अधिक समय हो चुका है लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कुछ अनियमितताएं देखने को मिली है। DPI ने जैसे तैसे बहुत सारे आंदोलनों के बाद में बहुत सारे ज्ञापन पत्रों के माध्यम से जो आवाज़ पहुंचाई थी कि जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, तो नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट भी कर दी गई, ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए गए, लेकिन जारी किए गए मात्र 12,043 पदों पर, जबकि भर्ती निकाली गई थी 30,500 पदों पर, जिसमें कि 18,500 से अधिक शिक्षक अभी भी अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और साथ में ही इस भर्ती में काफ़ी कुछ अनियमितताएँ भी देखने को मिली हैं। दोस्तों, जहां पर एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी OBC के लिए और ऑफिशियल एक लेटर भी जारी कर दिया गया था, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 में को देखने में आया है कि कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर 13% होल्ड के बाद में ज्वाइनिंग लेटर जारी किया है और जिसकी वजह से जो कैंडिडेट होल्ड किए गए हैं, जिनको नियुक्ति नहीं मिली है, उनमें काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। और इस प्रकार की जो अनियमितता देखने को मिली है उसको दूर करने के लिए, अपने संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए भोपाल में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कि OBC वर्ग के चयनित अभ्यर्थी भी शामिल थे और मुख्य अतिथि के रूप में नगरीय प्रशासन मंत्री और भाजपा के जो नेताजी हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। और उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके संबंध में, इससे रिलेटेड आज के वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, भूपेंद्र सिंह जी ने क्या कहा हम बात करें, उससे पहले हम देख लें कि किस प्रकार से जो 13% को होल्ड किया गया है और जो आक्रोश व्याप्त है, तो किस प्रकार से नाराजगी है कैंडिडेट में, तो आप सुने इस न्यूज चैनल के माध्यम से, फिर भूपेंद्र सिंह जी के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। OBC महासभा ने 7 नंबर पर किया प्रदर्शन, 27% आरक्षण का लाभ दिया जाए। OBC महासभा राकेश लोधी, आज जो ये 13% होल्ड शिक्षक, तो सरकार जो शिक्षकों चयन शिक्षकों को गुमराह ये कर रही है कि जब 27% रिजर्वेशन में वैकेंसी निकाली और 27% लागू करने का सरकार ने आश्वासन दिया, OBC महासभा ने दोनों खूब सारी मांग की, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है, गुमराह कर रही है। 13% होल्ड था तो जब 20,000 शिक्षक थे, 20,000 शिक्षकों में 12,000 शिक्षकों की ज्वाइनिंग दे दी, 8,000 शिक्षक ये वही शिक्षक जो खड़े हैं, इनके क्या कसूर है? आप बोल रहे हैं इंदिरा साहनी की रिपोर्ट 50% से रक्षण ऊपर नहीं होता, तो जब ऊपर हो गया है तो हमारी OBC महासभा की मांग है कि पूरे 27% आरक्षण लागू करें और जो ये शिक्षक दर दर भटक रहे हैं ये शिक्षकों की भी ज्वाइनिंग दें, इनके क्या कसूर है? संविधान तो एक है, नियम एक है, तो इनके लिए कहाँ से संविधान अलग से लिख दिया, इनकी क्या कसूर है? OBC महासभा 27% आरक्षण लागू करे सरकार से ये मांग कर रही है, और अगर 27% आरक्षण सरकार लागू नहीं कर रही है तो निश्चित तौर पर ये चयनित शिक्षकों की मांग को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे जहां चुनाव हो रहा है, और बताएंगे कि सरकार कह रही है कि हम 27% रिजर्वेशन लागू कर दिए चयनित शिक्षकों को, तो कितने के 12,000, 8,000 को तो बाकी किया है ना, ये सरकार गुमराह करके वोट लेना चाहती है। ये हम जनता की अदालत में जाके जन जन को हम अपनी बात पहुँचाएंगे कि सरकार गलत कर रही है। एक ही मांग करना चाहूँगा कि जब एक देश में एक संविधान, एक से नियम, एक से सारी संस्थाएं लागू करती है गवर्नमेंट, तो ये हमारे चयनित शिक्षकों के साथ ऐसे दो व्यवहार क्यों किया गया कि आधों को 27% दे दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया? क्या कसूर है संस्कृत सब्जेक्ट का? क्या हमारे देश में संस्कृत की कोई इतनी वैल्यू नहीं है? क्या सिर्फ मैथ्स वालों की वैल्यू है? क्या सिर्फ इंग्लिश की वैल्यू है? क्या संस्कृत की कोई इज्जत ही नहीं रही? ऐसे संस्कृत सब्जेक्ट को फेंक दिया गया जैसे इसको अभी वैल्यू नहीं है, आधे लोगों को ज्वाइनिंग दे दी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से जो 13% होल्ड पर कैंडिडेट हैं उनमें आक्रोश व्याप्त है, और इसी से रिलेटेड जो गांधी भवन में महापंचायत का आयोजन किया गया, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। तो गांधी भवन में OBC के समस्त संगठनों सहित
ओबीसी के जो चयनित शिक्षक थे उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें पिछड़ा वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी थे वो 5 विषयों में होल्ड 13% पदों के संबंध में उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। साथ ही शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में भी की गई धांधली तथा ओबीसी की जो जातिगत जनगणना है तथा ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मुद्दे को लेकर महापंचायत में वक्ताओं ने भी अपनी बात को काफ़ी खुल करके रखा है और भूपेंद्र सिंह जी ने भी इन चयनित शिक्षकों को संबोधित किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि ओबीसी के जो 6 विषय होल्ड किए गए हैं 13% पदों की नियुक्ति के संबंध में वे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि उनको भी जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। मंत्री ने आगे कहा कि आगे से मध्य प्रदेश राज्य में ओबीसी को 27% के मान से समस्त भर्तियां दी जाएंगी, जैसा कि ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा। अब दोस्तों इसी के संबंध में जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं जेपी धनोजपिया जी, उन्होंने कहा कि अब तक जो भी ओबीसी को आरक्षण दिया गया है वह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने ही दिया है और कांग्रेस पार्टी ने ही ये आरक्षण दिया था, लेकिन बीजेपी ने कोई आरक्षण ओबीसी को नहीं दिया और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी ओबीसी के आरक्षण को लागू करने पूरी ताकत से हर स्तर पर मदद करेगी। और दोस्तों जो कार्यक्रम था उसका संचालन अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने किया, जो कि ओबीसी आरक्षण से काफ़ी लंबे समय से पैरवी करते रहे हैं हाईकोर्ट में, और जो मुख्य संयोजक थे महेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी कलेक्टर प्रकाश सिंह धाकड़ और भी कई अभ्यर्थी वहां पर भी मौजूद थे। उनमें जो ओबीसी के पदाधिकारी थे वो भी वहां पर उपस्थित थे, कुछ चयनित शिक्षक भी थे ओबीसी के और अन्य जो काफ़ी गणमान्य नागरिक थे तो इस महासभा में उपस्थित थे, इस महापंचायत में उपस्थित थे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा कहा गया है कि 13% ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो होल्ड किया गया है वह मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और निश्चित रूप से आगे जो भी होगा वह अच्छा ही होगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि जो होल्ड पर कैंडिडेट हैं वह होल्ड पर ना रहें और उनको भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, उनको भी नियुक्ति दे दी जाए। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जो महापंचायत आयोजित की गई थी उसमें भूपेंद्र सिंह का जो महत्वपूर्ण बयान था और साथ में ही जेपी धनोपिया जी ने भी जो कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ इस महापंचायत में कहा था। अब दोस्तों देखना ये है कि आगे मुख्यमंत्री जी किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, क्या 13% होल्ड हटाया जाएगा या फिर जो भी निर्णय आएगा हाईकोर्ट का उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो ये तो समय ही बताएगा दोस्तों और जो भी होगा सभी के सामने होगा। और नई अपडेट के साथ में फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।